डीडी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज पर चुटके में सवालों को कैसे हल किया जा सकता है उसे सीखेंगे, और ये जो सारे जो सवाल सीखेंगे ये एसएससी जीडी के जो सवाल आए हुए थे उस पर बेस करके सीखेंगे। लेकिन शुरुआत करने के पहले एक बात को मैं कहना चाहता हूँ, जो अभी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन लग रहा है कि गणित फंस सकता है, करंट अफेयर्स फंस सकता है, जीके फंस सकता है, तर्क शक्ति फंस सकता है, वो बेझिझक मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे से बातें कर सकते हैं, उनके अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं और कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकलेगा। तो चलिए फिर क्लास शुरू करते हैं, उस पे आते हैं। बोला गया है, सोनू ने 10,000 की धनराशि एक साहूकार से 7% 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। देखो यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 6 महीने की दर। 3 वर्ष बाद साहूकार को कितनी धनराशि भुगतान करना होगा, मतलब मोटे मोटे भाव में 7% का इंटरेस्ट था 6 महीने के लिए और लोन कितना लिया 10,000 रुपया। लौटाना कब है? 3 साल बाद। तो पूछता है भाई ब्याज सहित कितना होगा। यहां पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात आती है, वो क्या है पता है? 6 महीने का दर जो है, 6 महीने का दर जो है, 6 महीने का रेट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब ये 6 महीने का दर या 3 महीने का दर हो जाए तो आपका जो वर्ष चेंज हो जाएगा, जैसे 6 महीना है, अब साल में 6 महीने कितने बार होते हैं? 2 बार होते हैं, तो ये 3 वर्ष के जगह 6 वर्ष हो जाएगा। अब साधारण ब्याज का तो बेसिक फॉर्मूला जो क्लास 5 में 6 में पढ़ाया गया था वो तो आपको पता ही है, SI मतलब आपका जो है क्या कहते हैं, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100। अब यहां पर जो है हमें निकालना है साधारण ब्याज, तो पूछा हुआ है 10,000 रुपया लगाया हुआ था, 7% का दर था, ठीक है ना, और साल कितना था? अब 3 साल के जगह 6 साल हो गया, बटे 100, 100 के 2 शून्य 2 शून्य से कट गए, 6 × 7 = 42, 42 और 2 शून्य मतलब 4,200। तो 4,200 जो है वो ब्याज हुआ, उसको लौटाना है पूरा पैसा, उधार लिया था कितना 10,000। तो अमाउंट मतलब मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मतलब 14,200 रुपया जो है उसे लौटाना होगा। तो और ये जो देखो इस सवाल को तो हम लोग टाइप कर लेते हैं और इसके जो ऑप्शन है उसे मैं लगा देता हूं कि सो दैट एक फीलिंग आए ये एग्जाम, ये जो सवाल था एसएससी जीडी 16/11/21 के Shift 3 में आया हुआ था। तो आशा करता हूं कि सवाल को आप एकदम सही तरीके से समझ चुके हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरे सवाल में बोला गया है, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्र धन 4 वर्ष बाद 13,200 रुपया और 8 वर्ष बाद 16,400 रुपया होता है, मतलब कोई धन है उसको अगर उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है, अगर 4 साल के लिए रखेंगे तो 13,200 रुपया मिलेगा और 8 साल के लिए रखेंगे तो 16,400 रुपया मिलेगा। अब बोलता है उसी धनराशि पर, तो पहले धनराशि निकालना होगा, उस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.1/5 वर्ष 5 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें मूलधन निकालना है, मूलधन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान देंगे। हमें 2 चीज दिया है, हमें बोला है पहला जो है 16,400 रुपया मिलेगा 8 साल बाद। इस 16,400 रुपये में जो है मूलधन भी है ब्याज भी है, 16,400 मिलेगा उस पैसे के ऊपर, मतलब मूलधन होगा उसके ऊपर ब्याज मिलेगा, मिलके 16,400 होगा कितने साल में? 8 साल में। दूसरा वाला 4 वर्ष बाद 13,200, कहने का मतलब है
13,200 मिलेगा, वही धन अगर 4 साल के लिए रखा जाता है तो मूलधन और ब्याज मिलकर, तो हम घटाते हैं। घटाने से क्या है, 16,400 से 13,200 जब घटाए तो हमें मिला 3,200। ध्यान दीजिएगा, हमने घटाया था तो हमारा क्या पीपी तो कट जाएगा। 8 साल के ब्याज से 4 साल का ब्याज अगर घटाएंगे तो बचेगा कितना, 4 साल का ब्याज, मतलब 3,200 रुपया हमें पता चल गया 4 साल का ब्याज है। और 4 साल का देखिए मूलधन और ब्याज मिलके कितना बोला है, 13,200। अगर मैं 13,200 जो मूलधन और ब्याज है उससे अगर ब्याज घटा दूं तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा। तो चलिए हम वही करते हैं, 13,200 हमारा 4 साल का है, मूलधन और ब्याज जो यहां दिया गया है उससे हम 3,200 जो अभी मुझे मिला है ब्याज का घटा देते हैं। तो देखो SI कट जाएगा, दोनों ही SI 4 साल का है, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज तो बच क्या जाएगा, मूलधन। तो हम 13,200 से 3,200 घटा दिए तो 10,000 रुपया हो गया। ये 10,000 रुपया P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन हो गया। तो हमें एक निश्चित एक धनराशि जो बोला था ये धनराशि हमें मिल गया 10,000। अब बोलता है उस धनराशि पर निकालना क्या है, 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3.1/5 वर्ष, मतलब ये कितना हुआ, 3×15+1 16/5 वर्ष में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब SI का फॉर्मूला आपको पता ही है, SI मतलब PRT/100, SI बराबर मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने वर्ष बटे 100। तो देखो हमारे पास सब कुछ है, 10,000 मूलधन है, 10% का वार्षिक ब्याज है, और 16/5 कहां से आया, ये 3×15 और 16/5 साल हो गया। अब इसको काटेंगे, ठीक है ना, इस सुन्ना से इस सुन्ना को काटे, 2 सुन्ना कट गया, ठीक है ना, और हम 5 से काटेंगे तो काटने के बाद हमारा जो है 3200 रुपया जो होगा, 3200 रुपया ब्याज मिलेगा। और अभी आंसर को देखते हैं, जो उस परीक्षा में ऑप्शन था उसमें देखते हैं, ये 3200 रुपया ये एकदम सही निकला। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आपने एकदम सही तरीके से समझा होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोलता है, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3,040 रुपये है, तो वो धनराशि ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, देखो हमें ब्याज दे दिया है, वर्ष दे दिया है, साधारण ब्याज दे दिया है, ब्याज दर दे दिया है, धनराशि निकालना है। SI बराबर क्या होता है, PRT/100, हम लगा देते हैं 3,040 तो दिया है SI का, 3,040 बराबर धनराशि निकालना है P, 8% है, 5 वर्ष है बटे 100, तो P बराबर क्या होगा, सीधी बात है P अच्छा मैंने यह गुना कर दिया, 8/40 कर दिया। अब जो है P बराबर क्या होगा, P बराबर 3,040 × 100/40। अब इसको काटते हैं जब तो ये 7,600 होता है, तो मतलब वो धनराशि क्या है, 7,600। और यही था, ये आपका शिफ्ट 2 में आया था, ये देखिए 7,600 आंसर है, एकदम ये बहुत ही साधारण है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला एक ही होता है आप जानते हैं साधारण ब्याज में। और मैंने अलग से फॉर्मूला का चर्चा इसलिए नहीं किया कि शुरुआत से तो वही फॉर्मूला लग रहा है, तो अलग से क्या चर्चा करें। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, आशा करता हूं ये भी आप सही तरीके से समझ चुके होंगे। अब बोलता है, एक निश्चित धनराशि पर 1% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से, देखो ये 1% बोला है मतलब हमें निकालना है, 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 5,472 है, और उसी समान राशि पर समान साधारण ब्याज के दर से 7.5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 6,930 होता है, x का मान ज्ञात कीजिए।
देखिए अभी इस तरह का सवाल किए हैं लेकिन थोड़ा सा अंतर है उसमें से, तो इसके लिए इसको थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने दूसरा सवाल था जो हमने किया हुआ है, तो पहला हम क्या निकालते हैं, हमें बोला है 7.5 साल में, 7.5 ईयर्स में कितना होता है अमाउंट हो जाता है, ये अमाउंट हो जाता है 6,930। इसमें बोला है हमने पकड़ लिया धनराशि, यहां पर धनराशि मुझे पी लिखना चाहिए था, तो मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं, यहां पे गलती से ये पी होना चाहिए, एक्स नहीं, एक्स तो रेट है, तो पी हो गया। फिर हम दूसरा है ये भी देखो पी है, ये क्या है 3 साल का, अब हम इसको माइनस करते हैं जैसे पहले भी हमने किया था, ठीक है ना, देखो तो पी से पी कट गया ना, और माइनस करने के बाद 6930 से अगर 5,472 लेस करते हैं तो 1,458 होता है, और 7.5 से 3 साल घटाएंगे तो क्या होगा, ये 4.5 साल का हमारा जो है ये निकला ब्याज निकला। अब हमें क्या है, हमें या तो 3 साल का ब्याज चाहिए तभी हम उससे घटा के हम मूलधन निकाल सकते हैं, तो हमें क्या है कि ये 4.5 साल का है, 4.5 साल का है तो हम इसे क्या करेंगे, 1,458 गुने 2/9, ये कहां से आ गया भाई साहब, देखो 4.5 का मतलब होता है क्या 9/2। अब 9/2 को मुरे को 1,458 से भाग देना है तो हम क्या लिखते, इसे यही लिखते ना 1,458, 1 साल का निकालना था मुझे, तो 1,458 भागा जो है 9/2, और भागा जब गुने के चिन्ह में हो जाता है उलट जाता है, और इसे जब हम करेंगे तो इसका मान जो निकलेगा, ठीक है ना, अब हमने 3 से गुना कर दिया क्योंकि मुझे 3 साल का चाहिए, 2/9 से गुना करके 1 साल का निकला, उसे फिर 3 से कर दिया, ठीक है ना, अब इसे हम काटेंगे तो नेचुरली 3 से हम 9 को काटेंगे तो 3 होगा, ठीक है, और जब हम इसको काट कूट करेंगे आगे बढ़ेंगे तो 972 रुपया होगा। ये क्या है, देखो सिंपल इंटरेस्ट है पर 3 साल के लिए, और देखो 3 साल का मेरे पास 5,472 रुपया है मूलधन प्लस इंटरेस्ट लेके, और हमारे पास इंटरेस्ट के लिए 3 साल का 972 रुपया है, तो अगर इन दोनों को घटा देंगे तो मुझे मूलधन निकल जाएगा, तो हमने 5,472 को लिखा, उससे 972 घटा दिया, तो फिर हमें जो मिल गया 4,500 जो है, ये देखो ये पी होगा, ठीक है ना, ये पी है, इससे हमने एसआई घटा दिया तो हमें 4,500 जो क्या है पी निकला मूलधन, ठीक है, ये पी निकला, और हमें चाहिए क्या एक्स मतलब रेट चाहिए, तो फिर अब हम फॉर्मूला को बैठाएंगे, फॉर्मूला क्या बैठाएंगे, एसआई बराबर पीआरटी बाई 100। अब 3 साल का देखो मेरे पास मूलधन भी मिल गया है, 3 साल का टाइम भी मिल गया है, एसआई भी मिल गया है, आरएमसी से निकल जाएगा, तो चलिए हम बैठा के देखते हैं। हमने देखो 972 रुपया, देखो 3 साल का हमारे पास एसआई था, 4,500 रुपया मूलधन था, 3 साल में प्राप्त हुआ है, इससे आर निकाल रहे हैं, तो आर जब निकालते हैं तो इसका मान जो निकलता है काट कूट करेंगे तो 7.2, और देखो यही 7.2 जो है ओरिजिनल आंसर है। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आप लोग अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और एक सॉरी बोलना चाहता हूं कि टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, इसके लिए इसे नजरअंदाज करें। चलिए फिर, आशा करता हूं कि यह सवाल जो है आप एकदम सही तरीके से समझ चुके होंगे, कहीं पर भी किसी तरह की असुविधा नहीं होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल बोलता है आर प्रतिशत पर एनम माने प्रतिवर्ष पर एक निश्चित राशि का निवेश करने पर प्राप्त राशि
साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए समान राशि पर समान दर पर 19 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के बराबर है। आर का मान निकालिए। बोला गया है सिंपल, देखो ये लैंग्वेज को अच्छे तरह से पढ़ के समझना होगा। इसमें पहली बार बोला है कि ब्याज दर क्या है, आर परसेंट, फिर आर का मान निकालना है। राशि इसने बोला नहीं है, मूलधन में बोला नहीं है, लेकिन एक चीज बोला है, 3 साल में मूलधन प्लस ब्याज मिलकर जितनी राशि बनती है 19 साल में उसी राशि का ब्याज उतना ही होता है। कहने का मतलब समझिए, हमें तो ये फॉर्मूला पता है SI बराबर PRT बाई 100। अब देखिए यहां बोला क्या है, बोलता है कि 3 साल में पहले बार क्या होता है, मूलधन प्लस SI, तो मूलधन तो P है और SI क्या है, ये फॉर्मूला है, ये बराबर 3 साल के लिए बोलेगा। तो देखिए इसको हमने 3 कर दिया, ये फॉर्मूला में T था, यहां पे हमने क्या किया 3, ये 3 वर्ष के लिए, ये बराबर होगा केवल, ये बराबर होगा किसके लिए, केवल आपके ब्याज के बराबर होगा, वो ब्याज कितना 19 साल का, मतलब यह मूलधन प्लस 3 साल का ब्याज बराबर होगा 19 साल के ब्याज का, मूलधन पता नहीं है। अब देखिए ये तो इक्वेशन आ गया, तो पी यही है, पी प्लस पी आर, पी को आर से गुना कर दिए, पी आर गुने 3/100 बराबर PR इंटू गुना बटे 100। अब देखिए, अब इसमें जब हम करते हैं क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ करते हैं, आपका लॉसा 100 होगा, 100 से 100 गुना होगा, 100P प्लस PR इंटू 3/100, ये 100, ये 100-100 हमने काट दिया, तो फिर नतीजा क्या निकला, 100P प्लस PR 3PR बराबर क्या है, 19PR होगा। हमने पी को काट दिया, सॉरी इसमें से पी कॉमन ले लिया, क्योंकि दो जगह पी है, 100 प्लस 3R बराबर 19PR होगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या किया, पी को हमने कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या है, यहाँ 100 रह गया, यहाँ का 3R रह गया। अब पी से पी को काट देते हैं, ठीक है ना, तो 19R बराबर 100 प्लस 3R है। अब 3R को इधर ले जाते हैं तो बराबर क्या होगा, 16R, 19 से 3R जाएगा तो क्या होगा, 16R बराबर कितना होगा, यहाँ 100 बचा हुआ है, तो R बराबर क्या होगा, 100/16, 100/16 मतलब 16 × 96, 96, 96 तो 4 बचा, तो 4/16, 4/16 का उसको काटेंगे तो 1/4 होगा, 1/4 बराबर 6.25 होगा, तो ये प्रतिशत निकल गया, और देखें यही इसका उत्तर था 6.25। तो आशा करता हूं इस सवाल को भी आपने सही रूप से समझा होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की 5 गुनी हो, बोलता है एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। अच्छा दुगुनी हो जाती है इसका मतलब क्या है, अगर 5 रुपया है तो वो 10 रुपया होगा, मतलब 5 रुपया को अगर मैं बैंक में रखता हूं तो 5 रुपया तो मेरा मूलधन है, तो दुगुना हुआ मतलब 5 रुपया मेरे को ब्याज मिलेगा, दुगुना का मतलब यही हुआ ना, दुगुना मतलब एक है मूलधन मेरा, दूसरा उसी के बराबर है लेकिन ये क्या है, ब्याज है, ठीक है ना। तो दुगुनी का मतलब पैसा तो अंडा नहीं देगा ना, हम बैंक में रखे दुगुना हो गया जितने साल में हो, तो कहने का मतलब है मेरा पैसा था उस पर उतना ही ब्याज मिला तो दुगुना हुआ। अच्छा 6 गुना का मतलब क्या होगा, 5 गुना यहां पे बोला है, 5 गुना मतलब देखो यहां एक शब्द देखना, स्वयं की दुगुनी हो जाती है, यह स्वयं की दुगुनी है, तो 5 गुनी भी क्या है, देखो स्वयं की 5 गुनी, ये शब्द देखना, स्वयं की 5 गुनी, नहीं तो अगले बताऊंगा कि स्वयं नहीं है तो क्या करना है। अभी ये जो है
फाइव टाइम्स ऑफ इट्सेल्फ, ये शब्द को जरूर ध्यान में रखेंगे, इट्सेल्फ स्वयं, तो मतलब पांच गुनी, मतलब एक गुना तो वो मूलधन हुआ और चार गुना उसका ब्याज हुआ। अब देखिए सिंपली बोलता है कि ये इस मूलधन से इतने के बराबर ब्याज कमाने में 6 साल लगा, तो उसी मूलधन से 4 गुना ब्याज कमाने के लिए क्या कितना लगेगा, 1 गुना के लिए 6 वर्ष लगता है, तो 4 गुना के लिए 4 को 6 कर दिया, 24 वर्ष आंसर हो गया। ये हमने एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया है जिसमें समझना बहुत आसान है, तो हमें कोई लंबे चौड़े में जाना तो है नहीं, ठीक है ना। तो आशा करता हूं ये भी आप एकदम अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक व्यक्ति ने 14,000 की धनराशि 5% और 19,000 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार दिया। किसी को उधार दिया मैंने 14,000 रुपया उधार दिया 5% इंटरेस्ट पे, 19,000 दिया 6% इंटरेस्ट पे, उसे 3 वर्षों के बाद ब्याज के रूप में कितना धनराशि प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा मूलधन वापस नहीं आएगा इसमें, इसमें बोला भैया 3 साल में ब्याज कितना कमाएगा, एक जन को 14,000 दिया है 5% के इंटरेस्ट पे और दूसरे जन को 19,000 रुपया दिया है 6% का। हमें तो पता ही ब्याज का फॉर्मूला पता है, SI बराबर PRT/100। अब पहले केस में 14,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल, ये 5% और साल 3 साल तो दोनों के लिए है, ये ब्याज मिलेगा किससे, 14,000 रुपया लगा के प्लस एक दूसरा पैसा दिया 19,000, तो इसका क्या होगा 19,000 और ये 6% के हिसाब से दिया है, समय तो वही 3 साल है। अब दोनों को करते हैं तो सुना सुना कट गया, इधर का भी एक सुना दूसरे सुना से कट गया, फिर ये सुना से कट गया। अब गुणा करते हैं तो 15 से जैसे करते हैं तो 2,100 होता है, या 18 से 19 को करते हैं तो जोड़ने के बाद जो होता है 3,420 होता है, मतलब 14,000 लगा के 2,100 रुपये का ब्याज आता है और 19,000 रुपये का 3,420 रुपया ब्याज आता है, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 5,520 रुपया होता है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक निश्चित धनराशि साधारण वर्ष ब्याज पर 2 वर्ष में 8,640, 3 वर्ष में 9,720 हो जाता है, धनराशि और वार्षिक ब्याज दर क्रमशः कितनी है। देखिए इस तरह का 2 सवाल हम कर चुके हैं, लेकिन यह सवाल को फिर भी मैंने रखा है क्योंकि वहां केवल हमें धनराशि निकालना पड़ा था, यहां पर धनराशि और ब्याज भी निकालना पड़ रहा है। तो चलिए पहला क्या है, 9,720 3 साल में, 8,640 2 साल में, तो पहले लिखता हूं 9,720 मूलधन प्लस ब्याज 3 साल में, उससे घटाता हूं 8,640 मूलधन प्लस SI 2 साल में, घटाया तो मूलधन मूलधन कट गया, नीचे आया 1,080 लेस किया तो, और 3 साल से 3 साल का ब्याज से 2 साल का ब्याज घट गया तो ब्याज भी हमें मिला 1 साल। अब 1 साल का ब्याज मिला, इसका दुगुना कर देते हैं तो ये 2 साल का ब्याज हो गया, 80 को 2 से गुना किया 60, 10 को 2 से गुना किया 20 और 1,160 हो गया 2 साल का ब्याज। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि मेरे पास जो है 2 साल का ब्याज प्लस मूलधन पता है, इसमें से ब्याज घटा देंगे तो हमें मूलधन निकल जाएगा, क्योंकि हमें मूलधन निकालना है, धनराशि निकालना है, तो हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम 8,640 से जो 2 साल का है उससे हमने 2,160 जो 2 साल का ब्याज है, तो देखो 2 साल का ब्याज इधर भी है, 2 साल का ब्याज इधर भी घटा दिया, तो मुझे जो मिला वो मिला आपका 6,480 जो पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन है। अब तो हमारे पास मूलधन मिल गया, अब हमें वार्षिक ब्याज की दर है, तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है SI बराबर PRT/100, ये R हमें निकालना है, 2 साल का SI भी हमें पता है 2,160 है, तो हम लिख देते हैं 2,160
और हमें मूलधन मिल चुका है 6480 गुना आर गुना टी, तो 2 साल का है, ये कर दिया। अब आर बराबर जो हुआ 2108 गुने 100 बटे 6480 गुना 2, अब इसे काट पीट करते हैं तो 16.2/3% आता है जो इसका उत्तर है। तो देखिए इसमें कौन सा उत्तर है, ये आज आ गया 6480 मूलधन है और 16.2/3% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका उत्तर आ गया। तो आशा करता हूं कि इस सवाल को भी आपने एकदम सही तरीके से समझा होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। आज के दिन में हमने अभी तक 8 सवाल किए और चूंकि आप लोग इसे ज्यादा करते भी नहीं है, देखते भी नहीं है, समय ऐसे भी समझता हूं 7-8 सवाल से ज्यादा एक वीडियो में देखना, वो वीडियो देखने का काम होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए मैं आज वीडियो को यही समाप्त करता हूं। जिन्हें सही लगा वो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो है अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को अवश्य दबाएं। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी समय आपसे हमारी मुलाकात होगी।